वली के पहचानने के लिए करामत शर्त नहीं है करामत एक जरिया है ज़रूरी नहीं है कितने कितनेौलिया हैं जिनकी करामत हमारे तक नहीं पहुँची लेकिन वो अल्लाह के वली हैं सबसे बड़े वली इस उम्मत के सहाबा थे उनमें से कितने की करामत हमारे पास पहुँची हैं लेकिन हम उन्हें अल्लाह का वली मानते हैं तो ये कोई शर्त नहीं है शर्त ईमान और तकवा है और बाकी अदीस में मुख्तलिफ उनकी अलामतें बताई गई हैं अल्लाजी जो ईमान अल्ला। और तकवे से मुतसिफ बंदगाने खुदा की एक अलामत यह है जब तुम उनकी सोहबत में बैठो मैं खुदा याद आ जाए अल्लाह की याद आने लगे तो करामत मिलायत नहीं है और शर्त विलायत भी नहीं है थोक के हिसाब से मार्केट में बहुत सारे लोगों की जाली करामत मौजूद हैं तो अलिया के लिए हम अकीदत और मोहब्बत के जज्बात रखते हैं तो फिर मार्केट में दो नंबर भी इसका आएगा और हमें पता है गजाई अजनास से लेकर के अद्वियात तक और दीगर ज़रूरिया ज़िंदगी तक के असल क्या है और नकल क्या है तो हमें इसमें भी गौर फिक्र करना चाहिए कि असल क्या है और नकल क्या है ना ये कि हम चंद बदतीनत लोगों की वजह से हकीकत का इनकार करते हैं तो आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी छोड़ो हम नहीं मानते करामतों शरामतों को इस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं जबकि करामत का मिन हैसुल करामत इनकार कुफ्र है अगर कोई कहे मैं करामत को ही नहीं मानता तो ये कुफ्र है वो करामतें जिनका बयान कुरान मजीद में मौजूद है तरह आसफ़ बिन बरख़िया का तख्त बिल्किस लाना हज़रत मरियम सलामुल्ल के हजरे में बे मौसम फलों का आना अब कहाफ का तीन सौ से जायद साल का अरसा सोए रहना खाए पिए बग़ैर और रब उनकी करवटें भी बदलता रहा ये कुरान में मजकूर है तो इसका इनकार भी कुफर है कुरान का इनकार लाजम आता है अगर किसी करामत का बयान हदीस मुतवातर में हो तो उसका इनकार भी कुफर है लेकिन ऐसी कोई करामत नहीं जिसका जिक्र हदीसी मुतवातर में हो अलबतः अहादीसी मशहूरा और अहादीस अहाद में करामात का बयान मौजूद है तो उनका इनकार भी गुमरा ही है जिस तरह वो तीन लोग जो गार में फंस गए थे उन्होंने फिर दुआएं की और पत्थर हटा जुरैज का वाक़ मौजूद है सिहाबा की कराम मौजूद हैं हजरत उमर के रुके से दरियाए नील का चलना इस तरह जो मुसलमा बुजुर्ग हैं उनकी कराम का इनकार करना महरूमी है लेकिन ये बात भी जहन में रखे कि करामत अल्लाह की तरफ से बंदे को दी जाने वाली एक इज़्ज़त है लेकिन वली की जिंदगी का मकसूद रज़ाए इलाही की तलब है करामतों की तलब नहीं लेकिन अमूमी तौर पर हमारे स्टेजों के ऊपर अलिया के हवाले से जो बात की जाती है बस आप सुनने के लिए बैठे हैं और ख़तीब साहब ने कान पे हाथ धरा और दो चार कर सुनाई और चले गए मैार बताया ही ना जिसके नतीजे के अंदर बहुत सारे अवाम इससे गाफिल होते हैं मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने हमेशा इस बात का इल्तिजाम किया है कि लोगों के सामने पूरी तस्वीर रखें क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि आप लोग कितनी मेहनत करके कहाँ कहाँ से चल के आते हैं पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हम जहाँ गए हैं हमारे सामने जो लोग आके बैठते हैं ज़्यादातर तबका बाशूर लोगों का होता है तो फिर हमारी ज़िम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम जो है वो उनके सामने वो बात करें जो बात करनी चाहिए इस मंबर से आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आवाम की डिमांड होगी वो चीज मिलेगी जो अवाम की हकीकी जरूरत होगी इस पर मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं इस पर आपको भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ना ये कि कुछ दो नंबर लोगों के रद्द अमल में हम हकीकत का इनकार करते हैं जिस तरह वो अज़ला कर रहे हैं और एक तबका वो है जो रतबो याब्स को कबूल कर रहा है और आपने ऐसे शख्स ऐसे लोग के जो अच्छे इंसान भी नहीं है लोगों को देखा है कि उनको वली मान रहे हैं और उनसे अपनी हाजतें तलब कर रहे हैं उनको हादी मान रहे हैं मुर्शद मान रहे हैं वो शख्स जो खुद आशना भी नहीं है वो तुम्हें मंजिला आशना कैसे करेगा मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनको फहमे दीन ही मुयसर नहीं है ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो मुंह दराज हैं और बिल्कुल नंग धड़ंग है उनकी बात नहीं कर रहा जो बाज़ाहिरलिये में भी हैं उनका फहमे दीनी नाक़ है कितने ऐसे ओलमा को जानता हूँ उनकी तोहिद का तसवर नाक़ है तो यह बदबखती होती है अब वो क्या किसी की रहनुमाई करेंगे जो खुद डूब रहा है वो किसी का हाथ कैसे पकड़ेगा लेकिन आवाम ज़ाहिर है उनके और उनका कारोबार चमक रहा है और करामते हैं कि थोक के हिसाब से बनती हैं और फिर इसकी मार्केटिंग करने वाले भी होते हैं और फिर उसी बुनियाद पर ही जो है वो उनका सारा सिलसिला चलता है अल्लाह के वली ये नहीं चाहते कि हमारी करामात ज़ाहिर हों और लोग हमारी तरफ लपके हमारी करामत की वजह से ये नहीं है अलामत हैज़ुर रिजाल जिस तरह औरतें अयाम में मखसूसा को छुपाती हैं अल्लाह के वली भी छुपाते हैं वो नहीं चाहते कि हम इस हवाले से जो है वो पहचाने जाएँ बाकी दौरे मौजूद के अंदर किसी सालह मुतकी शख्स की कोई ऐसी बात सामने आए तो शरीयत के मीज़ान परखा जाए अगर वो शरीयत से मुतदम नहीं है तो मान लेने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन अगर किसी की समझ में नहीं भी आता तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन किसी वली से कोई दुश्मनी ना रखे जो किसी वली से दुश्मनी रखे तो अल्लाह फरमाता उसका मेरे साथ एलान जंग है तो वो फिर शख्स महरूम कर दिया जाता है